ईएनबी अवार्ड्स 2021 में बजा एबीपी गंगा का डंका। एबीपी गंगा को मिले 5 गोल्ड 1 सिल्वर। ईएनबी अवार्ड प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2। ईएनबी अवार्ड्स में छाया एबीपी गंगा। हमारे खास शो पद यात्रा को मिला बेस्ट शो आइडेंटिटी हिंदी का अवार्ड। अर्ली प्राइम टाइम शो के लिए यूपी का बूट किया है। मुख्तार की जेल शिफ्टिंग पर बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला। एंकर राजेंद्र देव को मिला बेस्ट एंकर नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की शुरुआत। कार जीप वैन के लिए 675 रुपए, हल्के माल वाहन के लिए 1065 और बस ट्रक के लिए चुकाने होंगे 2145 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 20 जून तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा करने के निर्देश। यूपी में बिजली संकट को लेकर सीएम योगी की अमित शाह से मुलाकात, तो ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता का अनुरोध किया। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का वीडियो वायरल, बोले मुसलमानों एक हो जाओ, ये मदद का वक्त है। बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों की छात्र से झड़प, कुलपति की इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे थे स्टूडेंट। सड़क पर नमाज को लेकर मेरठ प्रशासन सख्त, सभी थाना प्रभारियों को बिना अनुमति के धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं कराने के आदेश। पीलीभीत में अवैध रूप से संचालित हो रहे डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, बिना डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल में हो रहा था इलाज। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, गुंडा से एक स्कूल में इस साल में 12 दिन आने वाली टीचर पर प्रशासन की कार्रवाई। मेरठ में कई और अवैध निर्माण होंगे जमींदोज, 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों की सूची पर चल रहा है मंथन। गाजीपुर के रायपुर बागपुर गांव में ग्राम समाज और तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन। मऊ में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। हरिद्वार की 6 अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया गया। बुलंदशहर के गुलावट्टी इलाके में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक का फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल, अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, कोविड का टीका लगवाने गए युवक को लगाया गया रेबीज का इंजेक्शन। वाराणसी में महिला और शख्स की लड़ाई की वजह से 1.5 घंटे खड़ा रहा विमान। मिर्जापुर के राशन कार्ड धारक ने राशन के लिए कोटेदार को धमकी दी, राशन कार्ड धारक को धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में निर्माण के लिए पुराना मकान तोड़ते समय भार भरा कर गिरी छत, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बग्घी को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत, ड्राइवर फरार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 5 स्टूडेंट्स को कुचला, हादसे में बीटेक के एक छात्र की मौत, 4 घायल। कानपुर में भीषण गर्मी ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड बनाया, 23 दिन तक 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया तापमान। उत्तराखंड के रामनगर के कॉबे टाइगर रिजर्व में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों पर हाथी ने अचानक हमला बोला, ड्राइवर की सूझबूझ से हमला टला।